ओम शांति। आज मम्मा के स्मृति दिवस में मम्मा ने ये बताया कि कर्म ही सुख और दुख का कारण है। दुख सुख का रेस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है, इसलिए जब किसी भी रूप में दुख आता है तो उसको भगाने की कोशिश करते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा करके खड़ा हो जाता है तो उसको खत्म भी करने की कोशिश करते हैं। किसी किसी की तो अकाल मृत्यु हो जाती है तो भी तो दुख होता है, समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर जोश में आकर भगवान को भी गाली देने लग पड़ते हैं। अच्छा, ये जो अकाल मृत्यु होती है, जो रोग के रूप में दुख आता है, क्या ये भगवान ने किया है? ये जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण बनते हैं, क्या ये भी भगवान ने किया है? अरे भगवान जिसको कहते हो दुख हरता सुख करता, तो वो कैसे तुम्हें दुख देगा? और जब भी कभी दुख पड़ता है तो भी तो भगवान को याद करते हो। शरीर को अगर रोग लग जाए तो भी तो कहते हो हे भगवान दुख में तो उनको याद करते हो। अगर उसी ने ही दुख दिया है तो जो दुख देने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताओ? यह तो समझने की बात है, जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, ना कि दुख देने का है। तो दुख का कारण जरूर कोई और है, अभी और कोई तीसरा तो है नहीं ना, एक मैं दूसरा वह, तो जरूर मैं रेस्पॉन्सिबल हुआ। तो हमारे कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं, तो जैसा कर्म हम करेंगे वैसा ही फल पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।